हेलो बच्चों, मैं सुदेश भारद्वाज आपका अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस कॉर्नर पर स्वागत करती हूँ। बेटा, हम चैप्टर नंबर सेकंड कर रहे हैं, उसका नाम है पॉलिनोमियल। आपको सारी डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ पॉलिनोमियल क्या होता है, उसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा। आज हम करेंगे डिवीज़न। डिवीज़न में क्या होता है, हमें दो पॉलिनोमियल गिवन होंगे, एक पॉलिनोमियल को हमने दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और क्या निकालना है, फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। आप छोटी क्लासों में कर चुके हो, कैसे करते थे बेटा, आप किसी भी न्यूमेरिकल संख्या को दूसरी न्यूमेरिक संख्या से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ किसी भी नंबर को, या हम कहते हैं किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर दे। अब ये आपको क्या गिवन है, पॉलिनोमियल, टू पॉलिनोमियल आपको गिवन है और एक पॉलिनोमियल को हमने दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। और क्या फाइंड करना बेटा, कोशेंट। कोशेंट क्या होता है, जो आंसर आता है आपका, रिमाइंडर जो नीचे बच जाता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। तो अब हम लिखा हुआ है डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय जी एक्स, यानी कि पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है। अब देखो बेटा, जिसको डिवाइड करते हैं उसको हम कहाँ रखते हैं, अंदर। इसको हम डिविडेंड भी कहते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम डिवीज़र कहते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये हमारा है बेटा डिविडेंड, और ये है हमारा डिवीज़र, या डिवाइज़र भी बोलता है कोई, डिवीज़र बोलता है इसको। अब हम निकालेंगे जो यहाँ आंसर आएगा बेटा, उसका नाम होगा कोशेंट, और नीचे जो बच जाता है वो होता है हमारा रिमाइंडर। अब डिवाइड कैसे करना है बेटा, ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, हमें चाहिए एक्स क्यूब, तो आपने देखना है कितनी पावर एक्स्ट्रा है यहाँ पर, कितनी पावर दिख रही है बेटा इससे, टू तो आपके पास है, यहाँ पर थ्री चाहिए हमें, यानी कि एक पावर और चाहिए। अब आगे कोई नंबर होता तो वो नंबर भी हम यहाँ पर लगाते आंसर में, यहाँ लिखते तो यहाँ लगाते। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कोई नंबर तो है ही नहीं, कोई कोफिशेंट तो मतलब वन ही है यहाँ पर। अब हमें केवल चाहिए एक्स, एक एक्स्ट्रा है तो हम एक्स वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा हमारा एक्स क्यूब। अब जो बेटा आपने यहाँ लिखा है उसकी हम सेकंड पार्ट से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर थ्री पार्ट्स हैं तो तीनों पार्ट से मल्टीप्लाई होगी बेटा। अगर यहाँ पे टू पार्ट्स हैं, एक तो हमने सोचना है पहले वाले को बराबर करना है, जो फर्स्ट टर्म है हमारी उसको पहले इक्वल करना होता है, और फिर जो हम लिखते हैं उससे हमें जितनी भी टर्म बाकी की होंगी उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवीज़र में एक सोच के चलते हैं और बाकी जितनी टर्म हैं उनसे, उस जो आपने सोचा है उस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। अब आप माइनस टू की एक्स से करोगे तो क्या आएगा, माइनस टू एक्स, एक्स की टू तो नहीं आया, तो एक्स के नीचे लिखेंगे, सेम टर्म के नीचे लिखेंगे हम जो आएगा। अगर मान लो आपका एक्स की टू की फॉर्म में आता तो हम यहाँ लिखते, अब ये आया आपका एक्स की फॉर्म में, तो हमने किसके नीचे लिखा, एक्स वाले के नीचे। ये ध्यान रखना बेटा, जैसी टर्म आए उसी के नीचे लिखना हमने। अब ये देखो यहाँ पर, जैसे छोटी क्लासों में आप डिवाइड करते थे, 10 को आप 3 से करते हो, 10 को 3 से डिवाइड करते हो, तो 3 3 जा क्या आता बेटा, 9, यहाँ बचा 1, तो आप यहाँ क्या करते थे, माइनस करते थे। इसी तरह यहाँ पर नीचे जो भी टर्म लिखोगे उसको माइनस करना पड़ता है, और माइनस करने के बाद बेटा क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। ये ध्यान रखना है, इसका मतलब हमें माइनस करना है तो ये साइन चेंज कर दो जो नीचे वाली टर्म के पास आए हैं। अब ये जो ऊपर वाला साइन है ये सोचो हमारे पास नहीं है, ये कैंसिल हो चुका है क्योंकि हमने साइन चेंज किए, तो हमें चेंज वाले को ही देखना है बेटा। अब आप देख रहे हो एक्स क्यूब, ये प्लस का ये माइनस का कट हो जाएगा बेटा, ये कट नहीं हो पा रहे क्योंकि कोफिशेंट डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करें या प्लस करें बेटा, आपको ये भी प्लस दिख रहा है ये भी प्लस दिख रहा है, तो सेम साइन ऑलवेज ऐड। आप 7 से पढ़ रहे हो अलजबरा तो उसमें क्या सिखाया जाता है, सेम साइन ऑलवेज ऐड, तो 5 और 2 कितने हो गए बेटा, 7, 7x। यहाँ पे x की 2 नहीं होगा, 2 कब होता, जब ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होते, अब जब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, बच्चे यही गलती करते हैं, जब ये हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो केवल हम कोफिशेंट को प्लस माइनस करते हैं और जो वेरिएबल है वो एज इट इज रहता है बेटा।
अब हमारे पास जो टर्म है इससे एक्स्ट्रा वाली है, हमारे पास ये टू वाली भी बची हुई है, तो इसको ऊपर से एज इट इज उतार देंगे बेटा हम। और नेक्स्ट टर्म की अभी हमें जरूरत होगी तो उसको भी यहीं पे उतार लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए बेटा, देखो यहाँ x की 2 है, ये फर्स्ट टर्म को हमें देखना है कि इसके बराबर बन जाए तो किससे मल्टीप्लाई करे। x की 2 तो आपके पास है ही, तो कौन सा कोफिशिएंट चाहिए, -3। तो यहाँ -3 लगाएंगे बेटा, अगर यहाँ +3 होता, +5 होता तो यहाँ पर वही लगाया जाता, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म तो इक्वल करनी ही करनी है ताकि हमारी कैंसिल हो जाए। अब जैसे ये आया आपका -3, अब मैंने आपको बताया था बेटा जो हम सोच रहे हैं फर्स्ट टर्म के लिए उसको हमें बाकी की जितनी भी डिवीज़र की टर्म बची हुई है उनसे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो अब -3 की हम किससे करेंगे बेटा, -2 से। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस। तो ये हो गया आपका प्लस, और 3 × 2 हो गया आपका 6। आपकी टर्म कौन सी आई, कॉन्स्टेंट वाली, तो कॉन्स्टेंट के नीचे ही लिखा बेटा, और ये हर पार्ट में चलेगा कि आपने नीचे वाली जो भी टर्म्स आई है उनका साइन चेंज करना है। अब जब साइन चेंज करोगे तो बेटा इसको क्या लगा दोगे, आप सर्कल कर दोगे कि ये अब साइन हमने नहीं देखना। अब ये तो कैंसिल होगा ही होगा बेटा, क्योंकि इसको तो हमने सोच के ही करा है मल्टीप्लाई, इतनी ही टर्म लिखनी है जो हमारी फर्स्ट टर्म आई है। सबसे पहला काम होगा बेटा आप इसको पावर के अकॉर्डिंग लिखिए पॉलिनोमियल को, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम सोचेंगे कि फर्स्ट टर्म जो हमारी है डिवीज़र की और डिविडेंड में क्या डिफरेंस है कि वो पूरी पूरी बन जाए। आपने देखा यहाँ पर 2 है बेटा और यहाँ पर 3 है, तो हमारे को कितनी पावर और चाहिए, एक्स की पावर 1। तो ये क्या होगा बेटा, इसके इक्वल आ जाएगा। अब जब इक्वल आ गया तो हमें क्या करने है, साइन अपोजिट करने है। नीचे वाली को हमेशा हमने जो भी साइन आएगा उसको डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस करने के लिए बेटा क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ देखो 7x का हमने कुछ नहीं किया, तो 7x एज इट इज उतरेगी, और माइनस माइनस ऐड होंगे, 3 और 6 क्या हो गया बेटा, 9। तो अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि यहाँ पावर x की 2 है और यहाँ पावर x है, जैसे आप इसमें सोचते थे, अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये इससे छोटा हो गया है। जब ये नंबर आपका रिमाइंडर का नंबर इससे छोटा हो जाता है तो हम डिवाइड नहीं करते। यहाँ पर क्या देखेंगे बेटा, वेरिएबल की जो पावर है वो कम हो गई है डिवीज़र से, तो जब पावर कम हो जाएगी तो वही हम डिवाइड करना छोड़ देंगे। तो इसका क्या नाम बन जाता है बेटा, जो बच जाता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर, और जो आपका इधर आया इसको हम कहेंगे कोशेंट। क्लियर है बेटा, ध्यान से समझो एक बार, एक पॉलिनोमियल को हमने दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो क्या किया बेटा, उसके लिए हमने डिविडेंड को अंदर रखा, जो जिसको कहेगा कि इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कीजिए, जो जिससे करना है वो बाहर रखा जाएगा और जिसको करना है उसको अंदर रखना है। अब अंदर वाले को हम कहते हैं डिविडेंड बेटा, और बाहर वाले को डिवीजर कहते हैं। जो आंसर आया उसको हम कोशेंट कहते हैं, और जो नीचे बच जाता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले बेटा क्या करना होता है हमें, यहाँ पावर इक्वल करनी होती है, तो x की पावर 2 है, यहाँ 3 चाहिए, तो 1 से हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो टर्म हमने सोची है उससे नेक्स्ट पार्ट को हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सपोज करो यहाँ पे 3 टर्म्स होती, तो तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हम इससे। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, फिर जो टर्म बच गई है बीच में उसको भी उतार लीजिए, और ये माइनस करना है आपको नीचे वाली टर्म जो भी लिखी है। माइनस करने के लिए क्या होगा बेटा, नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। अब चेंज करने के बाद देखो, अगर सेम साइन है तो ऐड कर दो, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये देखा आपने -3x² चाहिए, और हमारे पास x² है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई करा, -3 से। अब -3x² बन गया ये। अब इसकी बताया आपको जो भी यहाँ आप सोचोगे उसकी बाकी जो भी टर्म है डिवीज़र की उससे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 2 × 3 क्या आ गया बेटा आपका, 6 आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है,
अब ये दोनों अपोजिट साइन क्या दिख रहे हैं आपको, माइनस के दिख रहे हैं, तो ये सेम साइन है बेटा, सेम साइन को हमने ऐड कर दिया और साइन वही लगा दिया जो इनके आगे है। जैसे यहाँ दोनों पॉजिटिव थे, दोनों को ऐड किया लेकिन पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ दोनों नेगेटिव हैं, दोनों सेम साइन है तो ऐड करके माइनस लगा दिया। ठीक है बेटा, अब बेटा इसी को हम सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम सेकंड पार्ट करेंगे बेटा, वही है डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय द पी एक्स बाय द जी एक्स। अब देखो आपको मैंने कहा बेटा जो भी हमारे को पॉलिनोमियल है सबसे पहले उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब ये वाला तो दिख रहा है बेटा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में और ये वाला नहीं दिख रहा, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या होता है बेटा, पावर के अकॉर्डिंग रखा जाता है। ठीक है, अब इसका क्या करें, हम डिवाइड करेंगे पी एक्स को जी एक्स से, तो पी एक्स को कहाँ रखना है हमने, अंदर रखना बेटा, एक्स फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। आप देख रहे हो इसमें क्यूब वाली टर्म नहीं है बेटा, तो ये मत सोचना कि क्यूब वाली तो टर्म है नहीं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे है, जो गिवन टर्म्स है उसी के अकॉर्डिंग लिखना बेटा, पावर के अकॉर्डिंग, उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब ये देखो हमारे पास, हमने डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से, तो अब मैं आंसर बेटा ऊपर लिखूंगी ताकि आपको पता चल जाए मल्टीप्लाई कैसे करनी है, वहां से आपको पता नहीं चलता इतनी लंबी हो जाएगी। पहले हम एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है हमारे को एक्स फोर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करें बेटा तो क्या हो जाएगा, एक्स फोर हो जाएगा, टू टू फोर हो जाती है, इन टू में पावर ऐड होती है। अब ये मैंने आपको बताया जो भी आप यहाँ सोचोगे उसकी बाकी बची हुई टर्म से हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। देखो ये टर्म बच गई है, इनसे हमें इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो क्या आया एक्स स्क्वायर की माइनस एक्स से करी तो क्या आया माइनस एक्स क्यूब बेटा। अब माइनस एक्स क्यूब, क्यूब वाली तो कोई टर्म नहीं है, तो वो क्या करेंगे बेटा हम यही लिख लेते हैं। नेक्स्ट अब प्लस वन, प्लस वन से करा तो क्या आया बेटा हमारे पास प्लस वन एक्स स्क्वायर, तो अब वो एक्स स्क्वायर के नीचे लिखनी पड़ेगी, तो क्या करें बेटा अब हम अगर इसको यहां लिखते हैं तो इसको क्या करेंगे हम थोड़ा सा कंजेस्टेड करके लिख देंगे ताकि हमारी दोनों टर्म आ जाए, इसके नीचे दूसरे वाली आ जाए, एक्स क्यूब ये आया था बेटा और यहाँ आया प्लस वन एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा, चाहो तो आप इसको पीछे भी लिख सकते हो लेकिन लिखना जब आप नीचे उतारोगे तो वो आगे ही लिखना पड़ेगा आपको। अब ये क्या हो गया बेटा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये पहली तो हमने सोचनी है ऐसे कि ये कैंसिल हो जाए। अब नीचे वाले के देखो यहाँ साइन लगा देते हैं हम, इससे ये तो क्रॉस हो जाएगा बेटा, ये अब आपका बन जाएगा प्लस का और ये बन जाएगा माइनस का। अब ये क्या आया, प्लस एक्स क्यूब आ गया बेटा, क्योंकि और तो कोई एक्स क्यूब है ही नहीं, ये इस दो के जैसा है एक्स स्क्वायर, तो इनको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो थ्री और वन कितना हो गया फोर एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म हम लिख लेते हैं बेटा फोर एक्स, अब क्या करें बेटा एक्स क्यूब चाहिए हमें, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब बन जाएगा, तो यहाँ देखो प्लस का चाहिए तो प्लस लगा देंगे, माइनस का चाहिए होता है तो माइनस लगा देते हैं, प्लस x से करा तो क्या आ गया x क्यूब। अब इसकी बाकी बची हुई टर्म से करनी है तो क्या आएगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर, ये नेक्स्ट क्या बन रही है प्लस x, अब क्या करें बेटा इसके साइन चेंज करने हैं आपको, प्लस है कोई साइन नहीं होता, प्लस लगाना है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, अगर आगे कोई साइन नहीं है अपनी तरफ से बेटा प्लस लगा सकते हैं हम, क्योंकि अपनी तरफ से हम माइनस नहीं लगा सकते, कोई साइन नहीं, इट मीन्स इट हैव ए पॉजिटिव साइन, इन पे राउंड कर दीजिए बेटा। तो अब ये क्या बन गए आपके, फर्स्ट हम आपको बताया कैंसिल होगी होगी, ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या करें बेटा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अपोजिट साइन क्या होते हैं ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है इसका मतलब वन होता है, अगर कोई कोफिशिएंट ना होता उसका मतलब वन होता है। अब फोर में से वन गया तो किसका बचा बेटा, माइनस का बचा, क्यों, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, माइनस का फोर है प्लस का वन है। अब ये फोर प्लस का और ये माइनस, फिर वही वन मान लीजिए यहाँ पे, तो फोर में से वन गया थ्री आया, लेकिन यहाँ किसका आया बेटा,
आप कहोगे अभी तो मैडम ने यहाँ माइनस लिख दिया, यहाँ प्लस लिख दिया, क्योंकि यहाँ प्लस का ज्यादा है, यहाँ माइनस का ज्यादा था। प्लस में 5, आप देखो बेटा किसकी रिक्वायरमेंट है, माइनस 3 की, तो माइनस 3 यहाँ लगाएंगे, माइनस 3 से करोगे तो माइनस 3x2, वही बची हुई टर्म से मल्टीप्लाई करनी है बेटा, ये ध्यान रखना है बार बार, हर टर्म की मल्टीप्लाई करनी है। अब इससे मल्टीप्लाई करनी है, जो भी आप ऊपर लिख रहे हो उससे आपको सभी टर्म्स की मल्टीप्लाई करनी है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा बेटा, और ये माइनस 3 की जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3। अब वही साइन चेंज बेटा, हमेशा साइन चेंज करने नीचे वाली टर्म के। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे राउंड करना है, वही जो बार बार बताया जा रहा है, राउंड कर दीजिए, इन साइन को नहीं देखना, अब ये वाली टर्म कैंसिल होगी होगी बेटा। अब प्लस माइनस ये भी आप देख रहे हो अपोजिट साइन के हो चुके हैं और बिल्कुल इक्वल कोफिशिएंट है, तो ये भी कट हो गया। 5 और 3 कितना आया बेटा, 8 आ गया, दोनों सेम साइन के हैं। अब ये आपका बचा है रिमाइंडर और ये आपका आ गया कोशेंट। कोशेंट को बेटा हम लिखते हुए ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। वहाँ ऊपर क्यों नहीं लिखा था मैंने पिछले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि ये हमारा डिविडेंड है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया था। आपकी मर्जी है, कहीं भी लिख सकते हो आप इसको, ऊपर या यहाँ साइड में। ये है आपका कोशेंट और ये है बेटा रिमाइंडर। अब क्यों डिवाइड नहीं करें हम, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, ये पावर 2 है और यहाँ पर कोई पावर ही नहीं बची है, तो इसका मतलब ये इससे छोटा हो गया, तो जब छोटा हो जाए नीचे तो उसको हम डिवाइड नहीं करते। क्लियर है बेटा, पहले सबसे पहले पार्ट को देखना, आपको कितना चाहिए, कितना आपके पास है। आपको चाहिए था x4 और x2 आपके पास था, तो x की 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि इन टू में पावर ऐड हो जाती है बेटा। x की 2 कितना हो गया, x की 4। फिर ये जो बताया आपको, जो आपने सोचा है उससे बचे हुए पार्ट की करनी ही पड़ेगी। ये दो टर्म आपकी बची हुई हैं बेटा, तो इन दोनों टर्म से हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करी है दोनों टर्म से। ये एक्स की 2 की माइनस एक्स से करी तो माइनस x³ आ गया बेटा। अब यहाँ पर कोई x³ की नहीं थी तो मैंने थोड़ा कंजस्टेड करके लिख दिया, इसको चाहो तो आप साइड में भी लिख सकते हो। अब यहाँ प्लस 1 से करी तो प्लस 1x² आ गया, ये स्केयर वाले के नीचे लिखना है बेटा। अब इसको वही सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज होंगे, जो बच गया फिर से वही प्रोसीजर अपनाना है बेटा, कितना चाहिए जितना चाहिए वो उससे मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ प्लस चाहिए तो प्लस लगा दीजिए, माइनस चाहिए तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ कौन सा साइन है बेटा, कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं बेटा थर्ड पार्ट। अब बेटा ये थर्ड पार्ट है हमारा, वही है डिवाइड द पॉलीनोमियल px बाय gx। अब ये वही स्टैंडर्ड फॉर्म करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बेटा पावर ज़्यादा आगे होनी चाहिए और कम कांस्टेंट वो पीछे होना चाहिए, वो हमने कर दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे हम बेटा, px को अंदर रखना हमने, x4 माइनस 5x प्लस में 6 करना किससे है, माइनस x² प्लस 2 से। वही बात भैया, बेटा कितना चाहिए x4, तो x² लगेगा, x² अब ये देखो हमें किसका चाहिए, प्लस का, कोई साइन नहीं इसका मतलब प्लस का है, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं बेटा, इसलिए हम माइनस भी लिखेंगे यहाँ पर। तो ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और 2 और 2 आपका हो गया 4, तो यहाँ लिख देते हैं हम 4। अब इसकी आपको बताई सेकेंड टर्म, जो भी बची हुई टर्म है उनसे करनी पड़ेगी, तो इसकी हम जब इससे करेंगे बेटा क्या आएगा, माइनस 2x². अब माइनस x² वाली कोई टर्म नहीं है बेटा, तो इसके साइड में लिख देंगे हम। अब क्या करना है, वही साइन चेंज हमेशा की तरह, साइन चेंज कर दिए बेटा, इसको राउंड कर दीजिए। ये टर्म तो कैंसिल होगी होगी, फर्स्ट टर्म को तो आपने कैंसिल करना ही है। अब ये इसके जैसी कोई टर्म नहीं है बेटा, तो ये एज इट इज उतर जाएगी 2x², और ऊपर से हम उतारेंगे माइनस 5x नेक्स्ट टर्म। ठीक है बेटा, अब क्या करें, अब कितना चाहिए हमें 2x², इस 6 को भी उतार लेते हैं बेटा।
अब हमें चाहिए 2x स्क्वायर, स्क्वायर का हमारे पास है ही, तो 2 चाहिए प्लस का, यहाँ है माइनस, तो क्या करेंगे, माइनस लगाना पड़ेगा बेटा, माइनस 2 ले लेते हैं, तो क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर। अब इसकी फिर सेकंड पार्ट से करनी है, तो 2 जा क्या आएगा बेटा, माइनस का 4 आएगा, इसके पास लिख देते हैं, साइन चेंज करने हैं। अब यहाँ क्या होगा बेटा, कट हो जाएगा, इसके जैसी कोई टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज उतर जाएगी। अगर कोई टर्म नीचे लिखी होती है उसका साइन चेंज करके लिखते हैं बेटा, और अगर ऊपर से उतारते हैं तो वो जैसा साइन है वैसा ही रहेगा। अब प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे, 6 और 4 किसका आ गया, प्लस का, ये आपका क्या बच गया बेटा, रिमाइंडर बच गया। क्यों बच गया, क्योंकि इसकी पावर हो गई इससे कम, तो इसको कहेंगे रिमाइंडर और इसको कहेंगे कोशेंट। क्लियर है बेटा, ये आपका आंसर आ गया है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड का फैक्टर है या नहीं। अब कैसे पता चलेगा, अगर वो सेकंड जो आपका पॉलिनोमियल है उससे जब हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे बेटा, कि वो उसका फैक्टर है। अभी आपको डिवाइड करना था, आप डिवाइड तो करना है लेकिन आपको चेक करना है कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है। कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर तभी होता है जब हम डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर 0 बचे। ठीक है बेटा, अब बेटा हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको चेक करना है वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल और नोट। तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है बेटा, ये सेकंड पॉलिनोमियल है, आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल को चेक करना कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा ये इसका फैक्टर है या नहीं बेटा, अगर इससे डिवाइड करने पर फर्स्ट पॉलिनोमियल को जब हम सेकंड पॉलिनोमियल से, या इसने कह रखा है सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो इस सेकंड पॉलिनोमियल को हम अंदर रखेंगे और फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करके चेक करेंगे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं होगा। टी स्क्वायर माइनस 3, ये आपका बेटा फर्स्ट पॉलिनोमियल है और ये सेकंड पॉलिनोमियल है, तो ये इसका फैक्टर कब होता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है। अब देखो बेटा क्या चाहिए, भाग वैसे ही करनी है जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में करी थी, यहाँ पर टी स्क्वायर है, यहाँ पर टी की 4 चाहिए, तो 2 भी चाहिए बेटा, यहाँ 2 भी लगा देंगे हम और टी की 2 लगा देंगे, क्योंकि 4 चाहिए, 2 हमारे पास है, 2 हमने लगा दी, तो टी की 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, टी की 4, 2t की 4। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट टर्म से करेंगे तो 2 3 जा क्या हो गया बेटा, -6t स्क्वायर। आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में जो टर्म आती है स्क्वायर वाली, क्यूब वाली, तो वो उसी के नीचे लिखनी है आपने। यहाँ पर अब ये आपको फर्स्ट पार्ट तो कैंसिल करना ही करना है, क्योंकि बताया था बेटा वो तो हम सोच के ही कर रहे हैं कि इसके बराबर आ जाए, और सेकंड पार्ट में क्या करना है, साइन चेंज होंगे इसके हमेशा, तो जब साइन चेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, प्लस बन जाएगा, और इसको बीच वाले साइन को हमने कैंसिल कर देना, ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अपोजिट साइन क्या होते हैं, हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब ये ऊपर हमारे पास क्यूब वाला बचा हुआ है, तो सबसे पहले ऊपर से क्यूब वाला उतारेंगे बेटा, क्योंकि हमने हमेशा पावर के अकॉर्डिंग लिखना है। अब ये किसका बचा बेटा, किसके ज़्यादा थे, प्लस के, तो प्लस का बचा ये। नेक्स्ट हमने उतारा -90, अब किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है बेटा, टी की 2 है आपके पास, 3 हमें बनानी है, तो टी की 1 से करेंगे और 3 भी लगाएंगे यहाँ पर, प्लस में चाहिए तो प्लस में लगाएंगे, टी की पावर 1 लेंगे तो टी की 3 बन जाएगा, 3t³। अब वही नेक्स्ट टर्म से करनी है बेटा, 3 3 जा 9, -9t। अब आपको दिख रही है बिल्कुल सेम टर्म हो चुकी है, साइन अपोजिट करनी है, तो ये दोनों टर्म बेटा कैंसिल हो रही है, बिल्कुल इक्वल दिख रही है आपको।
अब ये बचा क्या हमारे पास, 40 स्क्वायर उतारा हमने, और नेक्स्ट हम उतारी जो हमारी बच रही है -12। अब देखो बेटा टी स्क्वायर तो है ही, क्या जरूरत है हमें 4 की। अब यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस होता है, तो यहाँ +4 लिखेंगे। अब 4t² हो गया, 4 3 क्या हो गया बेटा 12, साइन वही चेंज करने हैं, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर, ये होएगा इसका साइन चेंज, तो ये खत्म हो जाएगा। ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं आपको, इक्वल बट अपोजिट साइन, तो कैंसिल हो जाते हैं। अब आपका यहाँ पर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर क्या आ गया बेटा 0। तो ये इसका जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। यहाँ लिखोगे रिमाइंडर इक्वल टू 0। सो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। अगर 0 आए तो बेटा आपको ये लिखना है फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। वो ऐसे भी कर सकता है बेटा, पहले आपको क्या कर दे, बड़ा पॉलिनोमियल पहले लिख दे ज्यादा टर्म वाला, तो पूछ सकता है वेदर द सेकेंड पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल। जो आपका जिसमें कम टर्म होंगी वो आपको क्या करना है, उससे डिवाइड करके देखना है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो आपने बाहर रखा है वो अंदर वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब ये होता है बेटा। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। डिवीजन तो आपको बार बार सिखा दी है मैंने बेटा, बस हम क्या फ़र्क कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ हम रिमाइंडर देख रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमारा रिमाइंडर कोई ना कोई टर्म बच रही थी, और यहाँ पर हमारी कोई टर्म नहीं बची, तो ये इसका फैक्टर है। अगर कोई टर्म बच जाए नीचे तो वो उसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि बेटा हमें चेक करना है, चेक में आपका बच भी सकता है नीचे, नहीं भी बच सकता। अगर कह दे वेरीफाई, तो वेरीफाई में क्या होगा, वो उसका फैक्टर होगा ही होगा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। अगर कुछ और आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि ये उसका फैक्टर नहीं है। अगर बेटा 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर होता है, अगर 0 ना आए तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है। आपको बताया ज़्यादा टर्म वाली हमने अंदर रखनी है, क्योंकि उसने कहा फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर, तो जिसको चेक करना होता है उसको बाहर रखते हैं। अब बाहर किसको रखना है, फर्स्ट वाले को, अगर वो कह दे सेकंड पॉलिनोमियल को चेक करिए तो सेकंड पॉलिनोमियल को बाहर रखना है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे बेटा, हमें कितना चाहिए, यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ कितने का डिफरेंस है 3 का, और x की पावर 2 और चाहिए, तभी हमारा बनेगा x 3x की 4। तो यहाँ लगाएंगे हम 3x की 2, 3x की 4 बन गया, और बाकी बची हुई टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3 जा क्या होता है बेटा 9x³। एक्स 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, अब +1 से करेंगे +3x² नीचे वाले के बताए बेटा आपको साइन चेंज करने हैं हमेशा की हमेशा, और यहाँ पर आप राउंड कर देंगे, इसका मतलब ये ख़त्म हो चुका है। अब आपका आपने ऊपर वाला और नीचे वाला साइन देखना है, मिडल वाला साइन आपका कैंसिल हो चुका है। अब क्या करोगे बेटा, 3 - 3 ये तो कट होगा ही होगा, 5 और 4 ये है आपके पास 9, तो माइनस करोगे तो किसका ज़्यादा है, माइनस का, इसलिए माइनस के बचेंगे। यहाँ दोनों सेम साइन है बेटा, ये ऐड हो जाएंगे 7 और 3 10x². नेक्स्ट टर्म आप उतारोगे 2x। अब यहाँ आपको चाहिए क्यूब और -4, तो -4 लगाओगे और x 2 आपके पास है, 1 और लगा दो तो क्या बन जाएगा 4x³। -4x³ लगाना बेटा। अब -4 की इससे करोगे -4 3 - 12x² हो जाएगा, और -4x की 1 से करोगे तो -4x आ गया। साइन चेंज करिए बेटा जल्दी से, कर दिए। अब बीच वाले पे क्या करना है, वही राउंड सेम, अब तक कई क्वेश्चन आपको करा दिए बेटा इसी तरह के, तो ये आपने कैंसिल करना है जो इक्वल है बिल्कुल। अब क्या करें बेटा, हम इनको प्लस या माइनस करेंगे, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किसके ज़्यादा है प्लस के, तो प्लस के बचेंगे।
यहाँ किसके दोनों सेम साइन है बेटा, तो ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट टर्म को उतारिए। अब आपको कितना चाहिए यहाँ पर, x की 2 और 2, तो 2 लगाओगे, x की 2 तो पहले से ही आपके पास, 2x की 2, 2 3 जा 6x, 2 1 जा 2। देख रहे हो बेटा सारे इक्वल आए हैं, बिल्कुल अपोजिट साइन हो रहे हैं, तो सबके सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सारी टर्म कैंसिल हो रही है, तो रिमाइंडर आया आपके पास 0। तो ये क्या कहोगे, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, रिमाइंडर है आपका 0, तो आप कहोगे सो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। अब इसका एक पार्ट बचा बेटा, वो भी करवा देते हैं हम। थर्ड पार्ट बचा इसका, सेकंड का। अब हम बेटा सेकंड का थर्ड पार्ट कर लेते हैं, वही चेक करना है फर्स्ट फैक्टर, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो इसका फैक्टर है या नहीं है, तो उससे ही डिवाइड करेंगे, उसको हम बाहर रखेंगे और सेकंड वाले पॉलिनोमियल को अंदर रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले को देखना ये इसका फैक्टर है या नहीं है, जिसको फैक्टर चेक करना होता है उससे हम डिवाइड करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल को। अब ये देखो बेटा यहाँ पर कितना आएगा, हमें कितना चाहिए x5, तो x की 2 लिखना पड़ेगा तभी x की 5 बनेगा। अब x की 2 से हमने करा तो क्या बन गया, x की 5। अब इसकी बची हुई टर्म से तो -3x³ बन जाएगा बेटा यहाँ पर, और +1x² 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, साइन चेंज करने हैं। अब आप देख रहे हो ये तो कैंसिल होगा ही होगा, आपको बताया फर्स्ट पार्ट तो कैंसिल होना ही होना है, ये आपका माइनस का और ये है प्लस का, तो माइनस का बचा बेटा। नेक्स्ट आपका बिल्कुल ये भी इक्वल हो चुका है और अपोजिट साइन, तो कट जाएगा बेटा। नेक्स्ट हम उतार लेते हैं हम +3x+1। अब कितने की जरूरत है बेटा, -1 की, क्योंकि x³ तो है ही आपके पास, -1x³ और -1 से इनकी करेंगे तो क्या आएगा बेटा, +3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, +3x आ गया और -1 + 1 कितना आया, -1। अब ये सेम हो रहे हैं बेटा, बिल्कुल सेम दिख रहे हैं आपको और अपोजिट साइन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म भी ऐसे हो रही है, ये टर्म भी ऐसे, इक्वल कोफिशेंट है, अपोजिट साइन है, तो हम इनको कट कर देते हैं बेटा। अब ये +1 और ये साइन चेंज करके ये भी क्या हो गया बेटा, +1, तो सेम साइन ऑलवेज ऐड, आपको ये कॉन्स्टेंट हम तो इक्वल नजर आ रही, लेकिन साइन कैसा है, दोनों का सेम है तो ऐड करना पड़ेगा, तो आपका रिमाइंडर बच गया है। अब रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ लिखोगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, आपको बताया बेटा जब रिमाइंडर 0 आए तो फैक्टर जो फर्स्ट पॉलिनोमियल होता है वो फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का। अब यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम कहेंगे सो द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आया, सो के लिए मैंने ऐसे साइन लगाया, ये सो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। अब हम करेंगे बेटा थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके दो क्वेश्चन बचे हैं थर्ड और फोर्थ, दोनों भी आ सकते हैं पेपर में, नहीं तो एक तो जरूर आएगा ही आएगा बेटा। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है बेटा, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ इट्स जीरो आर
गिवन, दो जीरो आपको गिवन है बेटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार पेपरों में आ चुका है। इस एक्सरसाइज में आपका ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ही आता है बार बार, हो सकता है दोनों भी आ सकते पेपर में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हो बेटा। अब इसके दो जीरोस तो आपको गिवन है और बाकी के जीरोस आपको निकालने हैं। यहाँ पावर देखिए, मैक्सिमम पावर फोर है, तो इसका मतलब बेटा इसके फोर जीरोस हैं। टू आपको गिवन है, टू और फाइंड करने हैं, ठीक है। जितनी पावर होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। अब हम देख रहे हैं ये टू जीरोस है, तो आप लिखोगे सिंस टू जीरोज आर, दो जीरोज को ने अंडर रूट फाइव बाय थ्री एंड माइनस अंडर रूट फाइव बाय थ्री। तो जो जीरोज होते हैं वो क्या बन जाते हैं बेटा, एक्स की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो ये इसके क्या बन जाते हैं, फैक्टर बन जाते हैं। एक्स माइनस रूट फाइव बाय थ्री और एक्स प्लस, माइनस खुद से लगाते हैं, माइनस माइनस क्या बन जाएगा बेटा, प्लस। एक्स प्लस रूट फाइव बाय थ्री इक्वल टू, इसको हम स्केयर कर सकते हैं, ये है आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है बेटा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्केयर माइनस, जब मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा बेटा, माइनस फाइव बाय थ्री इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसके ये क्या बन गए बेटा, फैक्टर। अब फैक्टर बन गए तो फैक्टर्स का क्या मतलब होता है, अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा, सेकंड क्वेश्चन में हमने फैक्टर कैसे चेक किया था, जब हमने एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया था। अब ये इसका फैक्टर है ही बेटा, तो इसका मतलब क्या है, वो आपका क्या आएगा, रिमाइंडर जीरो ही आएगा। तो यहाँ हम इसको डिवाइड करते हैं और कोशेंट निकालते हैं, फिर कोशेंट के फैक्टर करेंगे बेटा, वो होंगे आपके जीरोज, ठीक है। अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे एक्स स्केयर माइनस फाइव बाय थ्री से। अब आपको क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे थ्री एक्स फोर है, यहाँ एक्स स्केयर है, इसका मतलब आपको चाहिए थ्री एक्स की स्केयर, थ्री चाहिए एक्स की स्केयर चाहिए, तो ये बन जाएगा थ्री एक्स की फोर। और फिर नेक्स्ट करोगे तो थ्री से थ्री कट हो जाएगा, माइनस फाइव एक्स स्केयर, स्केयर को स्केयर के नीचे लिखना बेटा, यहां साइन चेंज करने हमेशा की तरह। अब इसका आप क्या करोगे, इस पे राउंड कर दोगे, ये खत्म हो जाएंगे साइन, ये कट होगा ही होगा बेटा। नेक्स्ट टर्म आप उतारोगे यहां से सिक्स एक्स क्यूब, ये सिक्स एक्स क्यूब आ गया बेटा, और ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अपोजिट साइन हमेशा माइनस होते बेटा। नेक्स्ट आप माइनस टेन एक्स उतारोगे, आप देखो कितना चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए और सिक्स चाहिए, तो सिक्स लगाओगे यहाँ प्लस का, और एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई, क्योंकि स्केयर तो पहले से है, सिक्स एक्स क्यूब आ गया बेटा। अब सिक्स की इससे करोगे तो थ्री टू जा टू बचा, यहाँ पर टू की फाइव से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया बेटा, देखो यहाँ करती हूँ मैं आपकी, माइनस फाइव बाय थ्री इंटू सिक्स एक्स, तो थ्री टू जा हो गया, ये मल्टीप्लाई करके आपका आया माइनस टेन एक्स, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं माइनस टेन एक्स, अब ये हमने मल्टीप्लाई कर ली है बेटा, साइन चेंज कर देते हैं फटाफट से, बीच वालों पे राउंड कर दीजिए, आप देख रहे हो ये सेम टर्म आ रही है और अपोजिट साइन आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट आपकी बची है यहाँ पे थ्री एक्स स्केयर, और ऊपर हमारी टर्म रहती है माइनस फाइव। अब इसको डिवाइड करने के लिए कितना चाहिए बेटा, थ्री चाहिए, प्लस का थ्री लेंगे, कोई साइन ना हो तो इसका मतलब प्लस का होता है, ऊपर भी आप देख रहे हो इसका प्लस का साइन था, चाहो तो लगा सकते हो, नहीं जरूरत नहीं होती फर्स्ट वाली टर्म पे साइन डालने की। थ्री से करा बेटा थ्री एक्स स्केयर, और ये थ्री से थ्री कट हो जाएगा, माइनस फाइव आ जाएगा। आपको बताया था रिमाइंडर तो बेटा जीरो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर कह रखा है और फैक्टर का मतलब होता है रिमाइंडर जीरो। तो ये सारी टर्म आपकी कैंसिल हो गई, यहाँ पे कुछ नहीं बचा बेटा, ये जो आपका आंसर आया है अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो बाकी के जीरोज आ जाएंगे। अब ये पॉलिनोमियल किस किस के प्रोडक्ट के इक्वल हो गया बेटा, इन दोनों के, किसके इक्वल हो गया, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई बेटा,
डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, या आप बोलते हो डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविजर ये है आपका बेटा, ये डिविडेंड है आपका, और ये होता है आपका कोशेंट, ये होता है आपका रिमाइंडर। अब रिमाइंडर तो आपका है ही नहीं कुछ भी बेटा, जीरो है। अब आपने डिविडेंड को लिखना है, डिविडेंड आपका क्या था बेटा, ये था पूरा पॉलिनोमियल 3x4 प्लस 6x3 माइनस 2x2 माइनस 10x माइनस 5 इक्वल टू किसके आ गया बेटा, डिविजर इंटू कोशेंट। तो यहाँ डिविजर लिखिए 3x2 प्लस 6x प्लस 3 इंटू में कोशेंट है आपका, यहाँ लिखना बेटा हमने कोशेंट, ये हमने लिख दिया कोशेंट। अब ये डिविजर लिखना बेटा, तो इस टर्म को मैं यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा सा इसके नीचे, और यहाँ हमारा कोशेंट जो था डिविजर, तो ये था हमारा कोशेंट, हम लिख चुके हैं। डिविजर है हमारा x2 माइनस 5/3, ये डिविजर या डिवाइजर कह सकते हो बेटा, इंटू में कोशेंट। अब यहाँ आप क्या करोगे, इसको 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3x2 माइनस 5, और यहाँ आ गया आपका बाय में 3, इसमें से 3 कॉमन निकाल लो, तो ये आपका बचा x2 प्लस 2x प्लस 1, 3 से 3 कट कर दो बेटा। अब इसके फैक्टराइज कर लो, वो आपके बाकी के जीरोज हो गए। अब ये किसका स्केयर दिख रहा है बेटा आपको, x प्लस 1 का होल स्केयर दिख रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्केयर फर्स्ट स्केयर प्लस सेकंड स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, तो यही आएगा। तो अब आपके बन गए बेटा बाकी के दो जीरोज क्या आए, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आए बेटा, माइनस 1 और माइनस 1, ये बाकी के दो जीरोज आ गए। उसने कहा था फाइंड द ऑब्टेन ऑल द जीरोज, दो जीरो आपको गिवन थे और दो जीरो आपने निकाल लिए, तो सो ऑल द जीरोज यहाँ आप आंसर में लिख सकते हो, ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर, कौन कौन से हो गए बेटा, रूट 5/3 माइनस रूट 5/3 और 1 और माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। ऑल द जीरोज में जो गिवन है वो भी लिख दीजिए, और जो आपने फाइंड किए वो भी लिखने हैं बेटा। पहले हमने क्या करना है, जो जीरोज है उसको फैक्टर की फॉर्म में बनाइए बेटा, एक्स से उसको माइनस कीजिए, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये इसका फैक्टर बन गया। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है। जब हम डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट आएगा उसके क्या करेंगे बेटा, फैक्टराइज करेंगे, वही आपके जीरोज होते हैं। क्लियर है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू जीरोज से फैक्टर बनाइए, फैक्टर से डिवाइड कीजिए, डिवाइड के बाद जो कोशेंट आए उसके आपने फैक्टराइजेशन करनी है, वही आपके जीरोज आएंगे। और पहले के जीरोज भी लिख दीजिए गिवन वाले, और जो आए हैं वो भी लिख दीजिए, क्योंकि ऊपर आंसर में पूछा गया ऑब्टेन ऑल द जीरोज। क्लियर है बेटा, ये ध्यान रखना है, जितनी भी मैक्सिमम टर्म होती है उतने ही जीरोज होते हैं। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल जी एक्स, जो गिवन पॉलिनोमियल है बेटा उसको पी एक्स मान लीजिए, और इसको हमने डिवाइड करना जी एक्स से। आपको कोशेंट और रिमाइंडर दिए गए हैं कि ये उसके कोशेंट और रिमाइंडर आए थे, आपको निकालना है डिवाइजर जी एक्स निकालना है बेटा। अभी आपको फॉर्मूला बताया था डिविडेंड का, डिविडेंड क्या होता है, तो दोनों क्वेश्चन में हमने यही यूज करा बेटा, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है बेटा दोनों क्वेश्चनों के लिए। अब आप क्या करोगे, यहां पर डिविडेंड लिखोगे, डिविडेंड कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x2 प्लस x प्लस 2, इसको किससे डिवाइड करना है बेटा, जी एक्स से,
और क्वेश्चन था आपका माइनस टू एक्स माइनस टू और रिमाइंडर था आपका माइनस टू एक्स प्लस फोर। ये यहाँ पर बेटा इंटरचेंज भी करके लिख सकता है, ध्यान रखना है कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा रिमाइंडर है। अगर क्वेश्चन पहले लिखा तो पहले वाला क्वेश्चन है और नेक्स्ट वाला रिमाइंडर है। अगर वो लिख दे रिमाइंडर एंड क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखना है रिमाइंडर की जगह रिमाइंडर और क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन रखना है। पहले कौन सा लिखा वही उसकी टर्म होंगी। अब हम क्या करें बेटा, यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, जी एक्स ये है प्लस माइनस में, तो इसको दूसरी तरफ ले आते हैं हम, साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, उस वाली टर्म को हम यहाँ ला रहे हैं तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। तो बेटा यहाँ लाए इसको हम, ये हो गया प्लस का टू एक्स माइनस का फोर। अब आपको जी एक्स निकालना है और इनटू में एक्स माइनस टू है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं हम बेटा, सेम टर्म को देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, आप देख रहे हो ये क्या है बेटी आप बेटे आपकी सेम टर्म है 2x और x, तो कितना हो गया 3x हो गया, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया। और फिर ये देख रहे हो सेम है, कांस्टेंट कांस्टेंट, ये अपोजिट साइन है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। और यहाँ से क्या होगा बेटा, जी एक्स निकालना है तो हम डिवाइड करेंगे x माइनस टू से, डिवाइड करते हुए साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है बेटा, ये इनटू में है तो दूसरी तरफ आके किस में हो गया, डिवाइड में। अब हम इसको डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू को एक्स माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, जी एक्स, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, कितने पे जा रहा बेटा ये देखो, आपको क्या चाहिए एक्स क्यूब है कितना एक्स, यानी कि एक्स की टू चाहिए तभी होगा एक्स क्यूब। अब ये बन गया एक्स क्यूब, बाकी बचे हुए से करिए माइनस टू एक्स स्क्वायर, साइन चेंज बेटा, तो ये क्या हुआ, ये ख़त्म हो गया आपका, ये कट हो जाएगा आपका बेटा, आपको बताया फर्स्ट टर्म तो कट होगी होगी। अब ये क्या दिख रहा है आपको, माइनस का ये प्लस का, तो क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, किसका ज़्यादा है माइनस का, नेक्स्ट आपका थ्री एक्स माइनस टू। अब क्या करें बेटा, किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस वन एक्स स्क्वायर चाहिए तो माइनस वन लगेगा और आपका लगेगा एक्स माइनस वन एक्स, ये आ गया माइनस वन एक्स स्क्वायर। अब माइनस टू से करोगे तो प्लस टू हो गया, प्लस टू एक्स, फिर से साइन चेंज बेटा, और ये आपकी टर्म हो गई कैंसिल। अब थ्री में से एक माइनस किया, दो माइनस किए तो बच गया वन एक्स माइनस टू, देख रहे हो बेटा बिल्कुल सेम है, तो यहाँ क्या लगेगा प्लस वन, जब बिल्कुल सेम हो तो प्लस वन, प्लस वन एक्स माइनस टू, साइन चेंज हो जाएंगे और कट हो जाएंगे, ये कट हो रहा बेटा। अब बचा क्या जीरो, तो ये आपका निकल गया जी एक्स, इस ये है आपका आंसर, फाइंड द जी एक्स, क्लियर है बेटा। ये जी एक्स निकालना था आपको, कोशेंट गिवन था, अब कोशेंट आपने इधर रखा, इधर आपका जी एक्स निकल गया भाग करने पर, और जो आपका यहाँ पर रिमाइंडर था वो आप यहाँ ले आए तो साइन चेंज हो गए, क्लियर है बेटा। ये हमने क्वेश्चन किया, जरा थोड़ा सा ध्यान से करना है, पहले फॉर्मूला लिखिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जो जो चीज़ें गिवन है डिविडेंड गिवन है डिविडेंड की जगह लिखिए, डिवाइजर आपको निकालना है तो उसकी जगह जी एक्स को एज इट इज रखिए, कोशेंट गिवन है आपको बेटा, रिमाइंडर गिवन है, और जो प्लस माइनस में चीज़ होती है वो दूसरी तरफ आके साइन चेंज हो जाते हैं, और जो इनटू में टर्म होती है वो बाय में आ जाती है, उसको हमने डिवाइड फॉर्म में लिख दिया बेटा, उसके बाद भाग करना मैंने आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो बेटा हम यहीं समाप्त करते हैं, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा चैप्टर फोर के साथ। ओके बेटा, बाय बाय, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।